अरे घर में कोई है? हाँ के है दीदी, खड़ी ही आवा। अरे कमला, मौसी बता रही थी कि तेरे मुन्ने को 2 दिन से दस्त हो रखा है। हाँ दीदी, अपना ही के बतावल अनुसार तो उसके पैकेट लेके और घोर के मुन्ना के पीते है। वाह, तब तो कमला तुम बहुत समझदार हो गई है, मुन्ने को ORS का घोल पिला रही है। हाँ दीदी, ये सब तो अपना ही के बतावल है ना, आती ना बैठती ना। हे मुन्नी, ले जाना बउआ के, रोई थे थोड़ा घुमा के लिया हूँ। कमला, मुन्ने को अपने दूध के साथ और क्या क्या खाना खिला रही है? खाना हमर सास तो बोला थे कि दस्त के समय खाना खिलावे से और पैखाना होते, पेट खाली रहला पर मुन्ना जल्दी ठीक होते। ऐसा? जितना खाना खाते उतना तो पैखाना के रास्ते निकल जाते। अच्छा कमला, अब मैं तुम्हें समझाती हूँ कि माँ के दूध के अलावा मुन्ने को ऊपरी आहार देना क्यों जरूरी है। देख कमला, मैं तुम्हें समझाती हूँ कि किसी भी बीमारी में मुन्ने को खाना पीना बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन दीदी, जो मुन्ना के खिलावा ही है वो तो पैखाने के साथे सब निकल जा है। इसीलिए तो कमला, पहले के अपेक्षा और मुन्ने को ज़्यादा खाना खिलाने की ज़रूरत है और साथ साथ में अपना ज़्यादा दूध भी पिलाने की ज़रूरत है। बेचारा कितना भूखा होगा। कमला चल, पहले हाथ धो और सबसे पहले मुन्ने को दूध पिला। अच्छा कमला, मुन्ने को भरपेट दूध पिला कर आई है ना? हाँ दीदी। बहुत अच्छा कमला। लेकिन दीदी, इस समय ओकरा ज़्यादा दूध पियावे के का जरूरत है? अरे तू तो जानती है कि दस्त होने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए दस्त होने पर और ज़्यादा अपना दूध पिलाने की ज़रूरत है ताकि शरीर में पानी की कमी को दूर कर सके। लेकिन दीदी, आम दिनों से कितना ज़्यादा खाना खिलाइए और दूध पिलाइए। वैसे तुम बाबू को कितने बार खिलाती हो और अपना दूध पिलाती हो? वैसे तो दीदी, दस्त ना रहला पर बउआ के 2-3 बार खाना खिला दे या 2-3 बार दूध पिला दे। अच्छा कमला, मुन्ने के तो अब दस्त हो रहा है तो पहले से ज़्यादा और खाना खिलाने की ज़रूरत है और अपना ज़्यादा दूध भी पिलाना है। कमला तू किस सोच में पड़ गई? दीदी, हमार सास कहते हैं कि दस्त के समय बउआ के जितने पेट खाली रहते उतने जल्दी ठीक होते, आ तू कहा ज़्यादा खाना खिलावेला आ ज़्यादा दूधो पियावेला। अच्छा ऐसा, तुम ठीक कह रही हो। दरअसल बात है कि दस्त में होने वाले नुकसान के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है। दस्त होने पर शरीर में नमक और पानी की कमी हो जाती है, साथ साथ में पोषण की कमी हो जाती है। और तू तो जानती है कि ORS का घोल पिलाने पर शरीर में नमक और पानी की कमी को पूरा करता है। यही ले ना दीदी, मुन्ना के ORS के घोल पिलावी थी है। देख कमला, ORS और जिंक की गोली के साथ साथ बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर में खाना और दूध मिले तो उससे ज़्यादा पोषण मिलेगा और बच्चे को घर पे ही इलाज हो सकता है। अरे वाह दीदी, अब तो दस्त के वजह से मुन्ना कमजोर ना होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, मुन्ना बढ़ता जाएगा दिमाग से भी और शरीर से भी। दस्त के समय खान पान पे कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। अच्छा, उका दीदी? दस्त के दौरान स्टार्च युक्त भोजन जैसे पका हुआ चावल, खिचड़ी, उबला हुआ आलू, साबूदाना का खीर या खिचड़ी, आरारोट का खीर इत्यादि लाभदायक है। ऐसे भोजन पचने में आसान होता है। दस्त के दौरान शरीर में लवणों की कमी को पूरा करता है, शरीर के पाचन शक्ति को बढ़ाता है। अच्छा दीदी, स्टार्च युक्त भोजन देवे से ताकतों मिलता है, दस्त के दौरान जो शरीर में कमी होवा है वो पूरा होते। हाँ कमला, इसी तरह हम अगर खमीर युक्त भोजन का इस्तेमाल करें तो दस्त के समय ये भी फायदेमंद। अच्छा दीदी, वो भला कैसे? दस्त होने पर हमारे शरीर में पानी, लवणों, पौष्टिक तत्वों का
नुकसान होता है, साथ ही साथ भोजन को पचाने के लिए आवश्यक जीवाणु का भी नुकसान होता है। परंतु केला, दही या मट्ठा, खमीर युक्त भोजन जैसे इडली का सेवन करने से शरीर में ऐसे जीवाणु बनते हैं जो भोजन को पचाने की प्रक्रिया को मजबूत करते हैं। में पक्के केले या कच्चे केले का चोखा बनाने से शरीर में पोटेशियम की कमी को पूरा करता है। हाँ, और शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में ORS का ताज़ा घोल, उबला हुआ पानी, मूंग दाल पानी, ताज़ा नींबू पानी, उबले हुए चावल का माड़ देते रहना है। एकर मतलब ये होली दीदी कि दस्त के दौरान शरीर के ठीक रखेला खाना के बहुत जरूरी है। हाँ कमला, एक ध्यान देने वाली बात और है। वो का दीदी, आओ का ध्यान देवेला है? दस्त के दौरान ऐसे भोजन नहीं लेना चाहिए जो शरीर को नुकसान हो, जैसे जिनसे गैस बनता हो, जैसे फूल गोभी, मटर, बीन्स, पत्तेदार सब्जी। अधिक रेशे वाले भोजन जैसे छिलके एवं बीज सहित फल और सब्जी, कच्चा सलाद, छिलके वाली दाल इत्यादि। अधिक चीनी और ग्लूकोज, तेल में तला भोजन जैसे समोसा, पकौड़ी, डिब्बा बंद जूस या फिर शीतल पेय पदार्थ, मिर्च मसाला इत्यादि नहीं लेना चाहिए। समझ गई दीदी, ORS और जिंक के साथ साथ भोजन देवे से बाबू जल्दी से ठीक हो जाते। अब तो हम जरूर बउआ के थोड़ा थोड़ा देर में दूध और भोजन देते रहे। बहुत अच्छा कमला, तुम तो बहुत जल्दी मेरी सब बातों को समझ गई। अच्छा दीदी, हमारा घर आवेला और इतना बढ़िया से समझावेला, बहुत बहुत धन्यवाद। दस्त होने पर स्तनपान जारी रखना, पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए समय समय पर पोषक युक्त आहार देते रहें, साफ पीने का पानी का उपयोग करें, ORS का घोल पिलाते रहें, आसानी से पचने वाला आहार दें, जिंक की गोली या सिरप को बताई गई मात्रा में दें।